नमस्कार बच्चों, आपके कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसके एक भाग को हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से आदि मानव खेती करना सीखता है, वहाँ तक अपने पहुँच चुके थे। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो एक नए जीवन की शैली या एक नए जीवन की शुरुआत उनके लिए किस प्रकार से हो जाती है, वह किस प्रकार से एक नए जीवन के रूप में उसको जीना शुरू करते हैं, और उसके आगे के भागों के बारे में अपने पढ़ते हैं अभी। जिसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि एक नए जीवन शैली किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। तो देखिए, किसी पौधे को अपने जब उगाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उसके बीज को रोपते हैं या उसको ज़मीन के अंदर दबाते हैं, डालते हैं उसको। धीरे धीरे क्या है, एक टाइम के बाद उसमें प्रफुल्लित होना शुरू होता है, वह उसमें पौधा खिलना शुरू होता है, पौधा बढ़ता है। तो इस प्रकार से क्या है, एक कार्य चलता रहता है, वह एक लंबे समय की प्रोसेस है। तो उसी प्रकार से जब मैंने बताया आपको कि खेती करना वो स्टार्ट कर देते हैं, जो अपने आदि मानव वर्ग का जो लोग थे, वो जब खेती करना स्टार्ट कर देते हैं तो वह उनको क्या है, जब वो बिजाई करते थे बीजों की या किसी फसल को बिजाई करते थे, तो उनको क्या है, एक लंबे समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ता था, लंबे समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ता था, जिसके कारण क्या है, उनको एक स्थायित्व चाहिए था, उनको उस समय तक रुकने के लिए घर भी चाहिए। उसके बाद जब अनाज या कह सकते हो फसल बड़ी होगी, फसल जब बड़ी होती है तो साथ ही साथ उसका क्या है, देखभाल करनी पड़ती है। जैसे जानते हैं अपने कि फसल जो है उसको एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, छोटे बच्चे की तरह, शिशु की तरह। तो उसके लिए खरपतवार हटाना, ठीक है, उसकी सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, वगैरह वगैरह जो काम कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य जो हैं एक फसल को बड़ा करने के लिए, उसको अनाज पैदा करने वाली स्थिति तक पहुंचाने के लिए बहुत से प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो उस स्थान पर जहां उन्होंने फसल को बोया है वहां पर रहेंगे, तभी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो उनको इस प्रकार से रहना पड़ता था। जानवरों और चिड़ियों या जो जिस भी प्रकार का उनको भय था, उन जानवरों से बचाना पड़ता था ताकि फसल को नष्ट ना करें। तो ये कई फैक्टर थे जो क्या है, उनको वहाँ एक जगह रोक के रखते थे। अब जब फसल क्या है, अनाज के रूप में निकाला जा रहा है फसल को, तो उस अनाज को निकालने के बाद उसको बचा कर रखना पड़ता था, उसका भंडारण करना पड़ता था, उसका भंडारण करना पड़ता था। भंडारण करना क्यों आवश्यक था, क्योंकि जो फसल का अनाज उन्होंने उगाया है वह बीज के रूप में और साथ ही साथ भोजन के रूप में, दोनों रूप में क्या है, वो काम में आता था। क्योंकि वह आज की तरह तो था नहीं कि हाँ भाई दुकानों पे जाएंगे बीज खरीद के लाएंगे, जो परिष्कृत बीज बनते हैं आज के टाइम में, वैसा तो था नहीं। वो सिर्फ क्या है, सीधा अनाज को ही दोबारा बोया करते थे, उन्हीं के द्वारा वो प्राप्त किया करते थे फसल को। तो इस प्रकार से दो प्रकार से उसको बचा के रखना पड़ता था। अब जो अनाज है उसका उपयोग किस किस प्रकार से होता था, एक तो बीज के रूप में, भोजन के रूप में, भंडारण के रूप में उसको, क्योंकि उनको भंडार करके रखना पड़ता था। उसके अलावा उपहार के रूप में भी वो एक दूसरे को देते थे, यानी एज ए गिफ्ट क्या है, किसी ने चावल बनाए उगाए है तो वो क्या है, गेहूं वाले को गेहूं लेकर, सॉरी, उसको अपने चावल गिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा शायद विनिमय के लिए भी, या सामाजिक रूप से अदला बदली करने का या बदलने के लिए भी क्या है, अनाज का कार्य होता था, ठीक है। यानी किसी ने दूसरा अनाज उगाया है और उस अनाज को प्राप्त करने के लिए अपना कुछ अनाज का अंश क्या है उनको दे देते थे। तो इस प्रकार के कार्य अनाज के लिए अनाज उपयोग में आता था, बीज, भोजन, भंडारण, उपहार, विनिमय और क्या है, अन्य प्रकार से जो है अनाज वो काम में आता था। अब मेन चीज़ आती है इसमें कि उनको क्या है, भंडारण करने की बात अब दिमाग में आती है जब उनको क्या है, एक लंबे समय के बाद उनको उस बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक फसल जो है वो प्रत्येक समय में बोई नहीं जा सकती है, उसको किसी विशिष्ट ऋतु के अंतर्गत बोना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, भंडारण के लिए एक तो टोकरियां बनाना या बड़े बर्तन बनाना,
मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाया करते थे। तो इस प्रकार से वो भंडारण के लिए इस प्रकार के कार्यों को करना उन्होंने शुरू किया, यानी भंडारण की जो कला है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वो एक नए जीवन शैली, इसमें नई जीवन शैली क्या हो गई कि पहले तो वो क्या करते थे, घूमते थे और भोजन की तलाश में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से वापस से पहले या चौथे, इस प्रकार से उनको घूमना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब जब वो खेती करने लगे हैं तो उनको क्या है, इस लंबी प्रक्रिया के लिए एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, जिसके लिए उनको घर बनाने भी पड़ेंगे, ठीक है। और घर बनाए हैं तो उनको वो घरों की रहने की आदत हो जाती है, जैसे कि हमारे को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, हम वहाँ रहना चाहते हैं, तो वैसे ही क्या है, घरों की आदत हो जाती है उनको। और क्या है, एक प्रकार से वो सभ्य रूप से रहने लगे थे, गुफाओं वगैरह को छोड़कर अपने झोपड़ी वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है अपना पॉइंट, जानवर खाद्य भंडार के रूप में किस प्रकार से काम में आते। देखो भाई, जानवर जो हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, यानी वो खुद क्या है, एक खाने की चीज़ है, भोजन है, यानी आदिमान वगैरह के लोगों के लिए या जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए। देखते हैं किस प्रकार से कि जानवर जो हैं वो आसपास रहते थे, पहला चीज़ उनको खेती में काम में लिया जाता था ताकि हल वगैरह जोत सके वो, या भारी चीज़ों को लुढ़का कर उसके साथ ले जा सके, अनाज जो है वो अपने खेत से जिस भी भंडार गृह तक पहुंचाना है उनको, या अपने घर तक पहुंचाना है, गुफा तक पहुंचाना है, उस तक स्थान तक पहुंचाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्या है, खाद्य भंडार के रूप में किस प्रकार से काम आ रहे हैं। देखो, एक तो क्या है, पशु को पाला जाएगा, पशुपालन अगर किया जाएगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से क्या है, अपने फसल को उगाते हैं तो फसल से अनाज पैदा होता है और उस अनाज से क्या है, अपने बढ़ा सकते हैं, तो पशुपालन से संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या है, दूध उनको प्राप्त होगा, और जैसा कि जानते हैं दूध क्या है, भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा वो स्वयं क्या है, मांस के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वो जो लोग थे वो भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस प्रकार के जो पालतू पशु थे, हिरण वगैरह, उनको क्या है, पालना विशेष तौर पर क्या है, शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनका भी उपभोग वो क्या है, अलग अलग प्रकार से दूध के लिए और अपने खेत में काम करवाने के लिए, या क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, खुद जाने के लिए उनको ऊपर बैठ कर वगैरह। साथ ही साथ क्या है, भोजन के भंडार गृह या खाद्य भंडार के रूप में भी उनका उपभोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि आरंभिक कृषक एवं पशुपालक क्या है, इनके बारे में पता कैसे किया। जो आरंभिक पशुपालक थे, यानी सीधी सी बात है कि जो किसान थे वो ही क्या है, पशुपालन करते थे, ऐसा तो है नहीं कोई विशेष व्यक्ति है जिसने डेयरी खोल के रखी हो और एक खेती करता हो। तो जो पशुपालक थे या कृषक थे उनके बारे में पता कैसे चलता है, उनको जानने के स्रोत कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। एक तो आपके जो मैप है बुक के अंदर 13 नंबर पेज पे, उसमें क्या है बताया गया है ब्लू डॉट्स के द्वारा, तो जो ब्लू डॉट्स दिखाते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए, जो आरंभिक कृषक है या पशुपालक है उनके विशेष क्षेत्र जो थे वो कौन कौन से थे, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, कश्मीर के जो क्षेत्र थे वो, इसके अलावा दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वो महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित किए गए हैं इस प्रकार के लोगों के लिए जो कृषक थे, पशुपालक थे या इस प्रकार के कार्य किया करते थे। अब इनके अवशेष वहाँ पर मिलते हैं तो क्या है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर वैज्ञानिक खुदाई के द्वारा पता चलता है, वैज्ञानिक या पुरातत्वविदों ने जो खुदाई की उससे पता चलता है कि वहाँ पर क्या किया गया था, बस्तियाँ बनाई गई थी। यानी अब क्या है, जो आदिमानव थे वो क्या है, बस्ती बनाकर एक समूह के रूप में रहने लगे थे ताकि वो क्या है, एक समाज की तरह उसको गठन कर सकें, उसका गठित कर सकें। पौधों या पशुओं के लिए क्या है, अलग अलग नमूने मिलते हैं वहाँ पर खुदाई के द्वारा, अलग अलग पौधे या पशुओं के नमूने मिलते हैं।
नमूनों का मतलब है अवशेष मिलते हैं उनके, अभी वो जिंदा तो होंगे नहीं, तो उन अवशेषों के आधार पर क्या है पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के पौधों की बुआई किया करते थे वो, किस प्रकार के पौधों की फसलों का उपभोग किया करते थे, पशु किस किस प्रकार के पालने के योग्य थे या वहाँ उस समय मौजूद थे, उनके पास वो रखते थे उन बस्तियों में। अगर मान लीजिए पशु रखा है उन्होंने, तो कहने का मतलब यही होगा कि अपने घरों के आसपास उन्हीं पशुओं को रखते हैं जो पालतू होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो बस्तियों में पशु मिले हैं उनको वो पालते थे, तो जिससे पता चलता है कि कौन कौन प्रकार के पशुओं को पाला करते थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिलती है वो भुने हुए अनाज की मिलती है, भुने हुए अनाज की मिलती है। हो सकता है वो जानवरों को यह खिलाया करते थे, या गलती से जला होगा, गलती से जले होंगे, या स्वयं उसको क्या है भुन कर वो खाया करते थे या उपभोग किया करते थे उसका। तो ये इन अवशेषों के माध्यम से क्या है वो पता चलते हैं। तो ये जितनी भी प्रकार की फसलें हैं, चाहे ज्वार है, सॉरी चाहे चावल है, चाहे जौ है, चाहे गेहूं है, ये इस प्रकार की जो पशु फसलें हैं वो पूरे उपमहाद्वीप में मिलती थी। उपमहाद्वीप के अंतर्गत मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत को। भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो पूरे उपमहाद्वीप में क्या है इस प्रकार की फसलें मिलती थी। इसके बारे में पता चलता है किस प्रकार से, यानी इन जानवरों के बारे में और पौधों के बारे में क्या है, अनाज के अवशेष से या हड्डियों की सहायता से, इन सभी का क्या है पता चलता है कि वो जो आरंभिक कृषक थे वो किस प्रकार की खेती किया करते थे और किस किस प्रकार के पशुओं को पाला करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। किसकी सहायता से, खुदाई के दौरान हड्डियां जो मिली हैं, अनाज के जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है। नेक्स्ट अपना है स्थायी जीवन उनका, किस प्रकार से वो स्थायी जीवन की ओर चलते हैं या स्थायी जीवन उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस प्रकार से फसल के कारण उनको क्या है एक स्थान पर लंबे समय के लिए रुकना पड़ता था, तो वो वहाँ पर क्या है फसलों के द्वारा या भोजन उनको समीप में पास में मिल जाता था तो वो रहते थे। अब देखते हैं कि स्थायी जीवन उनका था कैसा, कैसे किस प्रकार के घर बनाकर वो रहा करते थे, किस प्रकार के क्षेत्र में वो निवास किया करते थे। देखिए एक मिलता है बुर्ज होम का मतलब है गड्ढे के अंदर क्या है जो घर बनाया गया था, गर्त या गड्ढे के अंदर घर, यानी क्या है एक प्रकार से देख सकते हैं अपने कि वो पहले क्या है एक अंडरग्राउंड रूप के रूप में क्या है गड्ढा खोदा करते थे और उसके अंदर अपना क्या है निवास स्थान बनाया करते थे, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आना वगैरह। उन्होंने क्या है इस प्रकार से गर्तवास जिसको कह सकते हैं, बुर्ज होम को कहने का मतलब क्या है गर्तवास का मतलब हो गया गड्ढे के अंदर रहना। ऐसा करने का कारण क्या था, बुर्ज होम मिलते हैं कश्मीर के अंदर और जैसा कि अपने जानते हैं कश्मीर के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी। तो सर्दी से बचने के लिए वो क्या है इस प्रकार के घरों में गहराई के अंदर रहा करते थे ताकि वहाँ पर क्या है इतनी ज़्यादा सर्दी न पहुँच सके। इसके अलावा बुर्ज होम के बाहर वह अंदर दोनों स्थानों पर आग के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो बाहर और अंदर दोनों जगह क्या है भोजन पकाने का कार्य किया करते थे। हो सकता है मौसम के अनुरूप बाहर या अंदर, या क्या है दिन के समय रात के समय के आधार पर वो अंदर बाहर ऐसा किया करते थे। इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बाहर शायद इसलिए आग जलाई जाती हो ताकि जंगली जो जानवर हैं वो उनके घर में प्रवेश न कर सकें। तो कई महत्वपूर्ण कारक जो हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जो हैं अंदेशा लगाते हैं कि इस प्रकार की रीजन्स रहे होंगे, कारणों का क्या है अंदाज़ा लगाया जाता है स्थिति को देखते हुए, ठीक है। तो ये उनके क्या है स्थायी जीवन का एक प्रकार था
जो कश्मीर के अंदर पशुपालक या जो लोग रहा करते थे, पशुपालक या कृषक जो थे, उनके एक जीवन का प्रकार बताया गया है कि हाँ भाई उनके रहने का तरीका क्या था। इसके अलावा वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे वो देखते हैं। क्या है पहली चीज? औजार या हथियार। यहाँ पर औजार या हथियार जो मिले हैं वो इतने ज़्यादा प्राचीन काल के नहीं हैं, कश्मीर के अंदर प्राप्त होने वाले, इसलिए कहा जा सकता है कि वो नव पाषाण काल के हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि वो नव पाषाण काल के हथियार या औजार हैं, जिनकी विशेषता क्या है कि वो उनकी धार जो थी वो अधिक तेज थी। धार को अधिक पैना करने के लिए, पैना या तेज करने के लिए पॉलिश का इस्तेमाल किया करते थे। पॉलिश वगैरह लगा कर उस धार को क्या है उसका मुख्य उपयोग किया जाता था, या विशेष प्रकार से क्या है उनको तीखा करके रखा जाता था। नेक्स्ट हथियार और औजार में क्या है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ओंखली और मुशल, ये दो महत्वपूर्ण कह सकते हैं उपयोगी क्या है चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। जो मुसल और ओंखली है ये क्या है किस काम है? अनाज को पीसने के लिए या कूट कर उनको क्या है बारीक करने के लिए काम में ली जाती थी। तो ये आज भी अपने देखते हैं पत्थर के बने हुए आते हैं, हमारे पास भी घरों में मिलते हैं ज़्यादातर ओंखली और मुसल। तो ये उस समय से नव पाषाण काल से यानी तकरीबन 10,000 साल पहले से वो क्या है इस प्रकार के हथियारों का उन्होंने निर्माण कर रखा था, जिनका आज भी अपने उपयोग करते हैं। इसी प्रकार के कुछ औजार जो हैं पत्थर युग के जो हैं या प्रस्तर युग युगीन जो हथियार हैं वो आज भी अपने काम में आते हैं। ये बहुत से प्रकार के हथियार आज भी मिलते हैं, जैसे औंखली है, मुसल है, हथौड़े का जो रूप है वो ठीक है कटाई संटाई के लिए जो साधन में उपयोग करते हैं, हालांकि उनमें क्या है धातु वगैरह को उपभोग करने लगे हैं अपने, तो थोड़ा चेंज आया है, लेकिन क्या है बाकी सेम लगभग अपने चीज़ें उपभोग करते हैं। उन्हीं के समय के लगभग कुछ औजार जो थे वो हड्डियों के भी बनाए गए थे, कुछ औजार जो थे वो पत्थर ही नहीं बल्कि हड्डियों के द्वारा भी बनाए गए थे। अब देखते हैं अपने उनके यहाँ के बर्तनों का विशेष कार्य कैसा था। बर्तन लगभग क्या है ज़्यादातर मिट्टी के हुआ करते थे। अब बर्तनों के उपयोग के बारे में देखते हैं, बर्तन किसके बनते थे? ज़्यादातर मिट्टी के बनते थे। उपयोग क्या था? उपयोग के अंतर्गत क्या है भंडार करने के लिए, भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, या फिर बाद में क्या है भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। पानी के स्रोत के रूप में, यानी वो पानी को भरकर नदी वगैरह से क्या है हर बार भरकर नए लाना पड़े, तो उसको भी क्या है बर्तनों में रखना लगे थे। कुछ विशेष बर्तनों को क्या है अलंकृत किया जाता था, अलंकरण किया जाता था, यानी उनको सजाया जाता था, यानी शिल्प कला की भी शुरुआत वहीं से मानी जा सकती है, क्योंकि वो क्या है बर्तनों में क्या है अब सुधार करने लगे थे। ऐसे नहीं था कि जो मिल गया उसी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो अब क्या है आहार के रूप में चावल, गेहूं, दलहन यानी दालें इस्तेमाल में आने लगी थी, जो पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जाता था। तो इन सभी के भंडार के लिए भी क्या है बर्तनों का उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ कपड़ा कपड़े का भी क्या है वो बुन कपड़े को बुनकर उपयोग में लेने लगे थे, बुनकर उपयोग में लेने लगे थे।
अब उनके जीवन का जो स्तर था, शैली थी, वो पूर्णतः क्या है बदल चुकी थी। तो कपड़े को भी क्या है बुनकर उपयोग में लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार से कि कपास जैसी फसल को उगाना भी उन्होंने क्या है, कपास जैसी महत्वपूर्ण फसल को भी, फसल को उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये सभी चीज़ें क्या है वहाँ पर मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को सुदृढ़ कर रहे थे। इसके अलावा अपने देखते हैं कि इतने समय के बावजूद कई स्थान तो ऐसे थे, यानी इतने सुधार के बावजूद क्या है कई स्थान तो ऐसे थे जहाँ आज भी स्त्री या पुरुष अभी भी क्या है भोजन संग्रह और आखेट यानी शिकार का ही कार्य कर रहे थे। वहीं कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि जहाँ कृषि की जा रही है वो भी क्या है मौसम या ऋतु के अनुरूप ये कार्य करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा देखते हैं कि अपने को पता चलता है कि सभी जो जगह थी वो इतनी विकसित नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ ऐसे भाग थे जो क्या है पूर्णतः क्या है उन्होंने विकसित कर लिया था अपने आप को। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, यानी उनके बारे में जानने के लिए क्या है एक स्थान मिलता है जो विकसित लोग हुए थे उस समय, कहने का मतलब उन्होंने सुधार कर लिया था अपने जीवन स्तर में। वो जो है मेहरगढ़ के किले में क्या है इस प्रकार के अवशेष मिलने हैं कि वो अब नई जीवन शैली के अनुरूप रहने लगे थे। तो वहाँ जीवन मृत्यु का कैसा चक्कर था वो देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, एक तो क्या है वहाँ पर हिरण सुअर जैसे जंगली जानवर यानी जंगल में रहने वाले जानवरों को जानवरों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो उस प्रकार के लोगों जानवरों का शिकार करके वो खाया करते थे। इसके अलावा पालतू पशु के रूप में भेड़ बकरी इनको भी क्या है खाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इन सभी के बारे में पता चलता है इनके हड्डियां जो है उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उनके जो घर थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था, वो चौकोर या आयताकार थे, चौकोर या आयताकार थे, जिसमें लगभग चार कमरे प्रत्येक घर में मिलते हैं, प्रत्येक घर में लगभग चार कमरे मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ या एक विशेष कमरा जो था वो अन्न भंडार या अनाज के भंडार गृह के रूप में काम में लिया जाता था, यानी उसमें सिर्फ क्या है अनाज का भंडारण किया जाता था। तो विशेष कमरे अलग अलग प्रकार से वो बांटकर घरों का निर्माण करते थे। ठीक है, घर भी क्या है सीधा बीच में आंगन वगैरह रखा जाता था, तो घरों का निर्माण भी क्या है एक विशेष तरीके से विशेष पद्धति के द्वारा वो किया करते थे। इसमें जो लास्ट चीज़ें रहती है अपनी कि वहाँ पर जीवन और मृत्यु का कार्य किस प्रकार से है, जीवन मृत्यु, जीवन का बारे में हमने पढ़ा है कि वो फसल बोया करते थे किस प्रकार से उनका जीवन शैली था, अभी पढ़ते हैं अपने मृत्यु, यानी इतने विकसित थे तो जीवन तो वैसा ही रहा होगा कि फसलें बोया करते थे काटा करते थे अपना रहना उनका जैसा भी था। मृत्यु के बारे में कैसा अवशेष मिलता है, जो मृतक होते थे उनके प्रति क्या है उनके जो प्रियजन थे या सगे संबंधी जो थे वो सम्मान प्रस्तुत किया करते थे सम्मान उनको दिया जाता था विशेष तौर पर जो मृतक होते थे, क्योंकि इनका ऐसा विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है तो इसलिए क्या है वो उपहार भी क्या है कई बार उनके साथ दफनाते थे। जैसे अपने एक मृतकों के क्या है सम्मान के लिए वो क्या है जो कब्र हुआ करती थी उन कब्रों में क्या है उपहार या उनकी विशिष्ट चीज़ें जो मृतक है उनकी विशेष
चीज़ें जो थे या पसंदीदा जो चीज़ें थी उनको भी क्या है साथ में दफनाते थे। एक साक्ष्य इस प्रकार का मिला है कि वहाँ एक व्यक्ति की कब्र में क्या है बकरी को साथ में दफनाया गया है, साथ में दफनाया गया, साथ में बकरी को दफनाया गया। तो ऐसा मानते हैं कि शायद उसको क्या है दूसरे परलोक में क्या है खाने के लिए काम में ली होगी। ऐसा मानते हैं कि परलोक में क्या है उसको खाने के लिए काम में लिया होगा। तो इस चैप्टर में क्या है अपने यहीं तक क्या है पढ़ते हैं, बाकी के जो भाग है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। धन्यवाद।